या कांग्रेस, किसको पसंद करेंगे? हम तो साहब बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी का चले आ रहे हैं। सम्मेलन करत थे, सम्मेलन मोड़ बंद करता है, एक दिन हम लोग जाल साहब, तुम दो दिन बने, दो दिन हम तुमने सम्मेलन मिटा दाए, तो गरीब आदमी क्या करें? चुनाव में तो कांग्रेस करेंगे और अगले में नरेंद्र मोदी करेंगे। जो कर्ज माफ कर देगी भाई को पसंद है। अभी वोट किसको दोगे आप? अभी कोई के कछु नहीं कह सके साहब, कुछ नहीं कह सके। क्यों ऐसा क्यों? अरे वो उसके राज में राम राज चल रहा है, आज कोई बात तंग नहीं भोग रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ मोहन कुशवा। जैसा कि आपको पता है, कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो हम गांव गांव पहुंचकर लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस बार किसको, किसका चेहरा पसंद करेंगे, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस। तो भैया है दादा, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? प्रणाम कर रहे थे। अच्छा दादा, कुछ महीने बाद एमपी में जो चुनाव, तो बीजेपी या कांग्रेस किसको पसंद करेंगे? हम तो साहब बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी का चले आ रहे हैं, वही करेंगे। अच्छा, बीजेपी इतनी पसंद आपको? पसंद हमें पर्सन से मतलब नहीं है, हमें तो पार्टी से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। पर्सन से वाली बात कुछ ना, पर्सन हो कोई से, पर्सन कोई से नहीं है। तो आप बीजेपी मतलब वोट देना पसंद? बीजेपी वोट देना पसंद कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस जो हमने करा तो सारे एक बार समान मान, गरीब आदमी के पूरे समान में ब्याह बंद कर दिया, कोई बात है? अच्छा, कौन से ये? अरे गरीब आदमी बेचारे जमाल कैस पार पार रहे हैं, मोड़ यानी कि सम्मेलन करत थे, सम्मेलन मोड़ बंद कर दिया, एक दिन हम ले जाल साहब, तुम दो दिन बने, दो दिन हम तुमने सम्मेलन मिटा दाए, तो गरीब आदमी क्या करें? शादी तो गरीब आदमी कर नहीं पाए, घर से घर से कहां से कर पाए? बताओ, बेचारे जो एक मिल जाए वो उसमें ही मतलब काम हो जाए, मुख्यमंत्री करने चलते। हाँ, तो और दादा इनसे जानेंगे, क्या नाम है दादा? लाल सिंह। अच्छा, कुछ महीने बाद एमपी में चुनाव है, तो आप किसको पसंद करेंगे, शिवराज सिंह या कमलनाथ? शिवराज सिंह पसंद। क्यों ऐसा क्यों? अरे वो उसके राज में राम राज चल रहा है, आज कोई बात तंग नहीं भोग रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है, लूटमार चल रही है, सही की बात करते हैं? कोई महंगाई नहीं, मतलब लाड़ली बहना योजना चल रही, चला ही होगा, मतलब कर्ज लेकर वो लाड़ली बहना योजना दे रही। अरे बिन उनकी कर्ज निकल, मतलब बीजेपी को पसंद करेंगे। तो भैया है, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? आप साहब मैं बताऊं कि ना बीजेपी बुरी है ना कांग्रेस बुरी है, एक का जो कह रहे जी 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 कर्ज माफी करेगा उसे वोट मिलेंगे। तो फिर भी तो अभी बीजेपी बीजेपी ने कर्ज माफ नहीं किया आपका? ना बीजेपी ने करो ना कांग्रेस ने करो। किसको पसंद, किसको वोट देना पसंद करेंगे? जो कर्ज माफ कर देगी भाई को पसंद है, तो बनेगी सरकार तभी तो कर्ज माफ करेगी ना। कांग्रेस बन जाए तो कांग्रेस की पसंद है, बीजेपी बन जाए बीजेपी। अभी वोट किसको दोगे आप? अभी कोई के कछु नहीं कह सके साहब, कुछ नहीं कह सके, कुछ नहीं कह सके। आपका क्या नाम है? परमोल सिंह। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम कांग्रेस में। कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? वो कांग्रेस ऐसी है, पुरानी पार्टी है वो, हमारी बीजेपी भी बहुत पुरानी पार्टी है पुरानी, जो हम लोग हैं रीजन, हमको पट्टी दिए जमीन वाले, बीजेपी ने नहीं दिया आपको? नहीं दिया। अभी कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं, उज्ज्वला योजना चलाई उसने, लाडली बहना योजना चलाई, लाडली बहना योजना से क्या होगा, दो किस्तें मिल गई, अब क्या मिल जाएंगी ज्यादा से ज्यादा? फिर सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, वो 1500 दीजिए। आवास योजना भी वो दे रही है, आवास योजना हमको कोई हरिजनों में एक भी घर हो, एक भी कुटी नहीं मिली, कहीं ना कहीं आप मतलब कांग्रेस, कांग्रेस ने अभी बीच में कांग्रेस बनी थी तो उसने आप मतलब क्या किया था? अरे उसी में वोट दिए थे हमने, तो सरकार बदल गई तो अब क्या कर सकते, वो तो उनकी बात है। क्या नाम है आपका? नंदपाल। आप किसको पसंद करोगे, बीजेपी या कांग्रेस? कमलनाथ को कर। कुछ मिनट नहीं, अभी 2000 किसान सम्मान निधि की भी डाल रहे हैं, लाडली बहना योजना के भी पैसे डाल रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं करी तो हमें कछु योजना नहीं मिल रही, कुछ पैसे नहीं मिल रहे, लाडली बहना योजना के पैसे नहीं आते आप लोगों? हमारी तो हम 60 साल की इंडिया कह देते, 60 साल बाद इन्हें नहीं मिलता, तो किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं वो भी नहीं आते? जे आना नरेंद्र मोदी डालना बिने दंगे वोट, बचुनाव में नरेंद्र मोदी दंगे, जचुनाव में शिवराज सिंह नहीं दंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद करेंगे। जचुनाव में तो कांग्रेस करेंगे और अगले में नरेंद्र मोदी करेंगे।